मेर के कौन से चौहान शासक ने अंतिम समय में राजघाट राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था? अजयराज ने। किस शासक ने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षण संस्था की स्थापना करी? विग्रहराज चतुर्थ ने। मेनाल में सुहालेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? पृथ्वीराज दित्य ने। अभिलेखों में किस शासक को दुर्लभ्य मेरु कहा गया है? दुर्लभराज दित्य ने दुर्लभ्य मेरु कहा गया है। चंद्रबदाई की एक बेटी थी, उसका क्या नाम था? राजबाई। चंद्रबदाई की बेटी का नाम राजबाई। अजमेर में किस शासक ने कला साहित्य विभाग की स्थापना करी? पृथ्वीराज चौहान ने कला साहित्य विभाग बनाया अजमेर में। कटिबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ ने कटिबंधु कहे थे। किस चौहान शासक ने महाराजा धीराज परम भट्टारक व परमेश्वर की उपाधि दान की थी? पृथ्वीराज प्रथम ने। परम भट्टारक व परमेश्वर और महाराजा धीराज पृथ्वीराज प्रथम। किस चौहान शासक ने टोंक में महादेव मंदिर को निर्माण कराया? टोंक में विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया था? अर्णोराज ने। अच्छा, किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित कर दिया था? तो विग्रहराजदित्य ने पराजित कर दिया था। ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय के समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां हैं? अरिकेली नाटक की। गुवक किस वंश का शासक था? चौहान और गुवक। आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? पृथ्वीराज तृतीय। आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी को ब्याह पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो गया। किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीमदित्य से युद्ध करते हुए मारा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान को पिता सोमेश्वर चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से युद्ध करते हुए मारा गया था। तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरा नर आगे दिल्ली पर राज करो। किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख सिक्कर उत्तीर्ण कराया? विग्रहराज चतुर्थ ने। हर्ष शिलालेख किसने उत्तीर्ण कराया? पृथ्वीराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने। अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अजयराज ने। पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? चचेरे भाई नागार्जुन का। किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ उत्तीर्ण किया गया था? दिल्ली शिवालिक स्तंभ के विग्रहराज चतुर्थ के टाइम में। तुम्मुल या महोबा का युद्ध 1182 किन किन के बीच में लड़ा गया? अलाउद्दीन और पृथ्वीराज के बीच में। इन तुम्मुल या महोबा युद्ध भी गए। किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? तो हर्षनाथ लेखों महाराज की उपाधि वाकपति राज प्रथम की है। चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में 1000 दिया जलांती बकुणी रानी की नहीं बार रुद्रानी या आतंप्रभा नाम हो रुद्रानी या आतंप्रभा नाम हो। चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में होता? गुवक के टेम में हर्षनाथ मंदिर बने गुवक के टेम में। हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सिक्कर में स्थित जीवन माता मंदिर बनाया? पृथ्वीराज चौहान प्रथम को दरबारी हो हट्टड़ बन जीवन माता मंदिर बनाया। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? अहिलपाटन गुजरात में हुआ है। अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, यह किस चौहान की रानी थी? तो सोमलेखा अजयराज की पत्नी है। चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता मंदिर किस शासक ने करवाया था? तो वासुदेव ने। निम्न में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो चौहाना ही जानकारी अपने एरिकेली नाटकों हुए बिजोलियों हुए हर्ष हुए घटियालाओं को नहीं क्यों घोटाला को है। अमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया सूर्यवंशी। निम्न में से यूप स्तंभ लेख निम्न में से कहां पर प्राप्त हुआ है? तो यूप स्तंभ बनी कोई तालाब तुलूब में मिला है। नांदसा यूप स्तंभ भीलवाड़ा में, बरनाला यूप स्तंभ जयपुर में, बीजपुरिया भी जयपुर में सभी हैं। किस अभिलेख में गुइलों को रघुकुल वंशी बताया गया? तो नाथ प्रशस्ति में रघुकुल वंशी बताया गया। श्रृंगी ऋषियाराम भी रघुकुल वंशी बताया गया। अबुआराम शकड़ान गुइल वंशारा ने रघुकुल वंशी बताया गया। नाथ ने श्रृंगी नबून शकड़ान। बूंदी के सूर्यमल मिश्रण कछुआओं की उत्पत्ति मानते हैं? तो सूर्यमल मिश्रण है वो कछुआओं की उत्पत्ति कुरम नामक रघुवंशी शासक से मानते हैं। चौहानों को खज्जर जाति से उत्पन्न किसने बताया? भंडारकर ने चौहानों को खज्जर जाति से उत्पन्न बताया। भंडारकर ने चौहानों को खज्जर जाति से। किस अभिलेख में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है?
तो अंचलेश्वर मंदिर की अभिलेख है भी मैंने चौहान चंद्रवंशी बताया गया अंचलेश्वर। दयालदास डिलायच सिडायच ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मण वंश के बल्लाराव से मानी है, बल्लाराव से। दयालदास सिडायच ने राठौड़ों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश के बल्लाराव से मानी है। राजपूतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? भंडारकर पहलपतमग्रीव। चंद्र बधाई ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 36। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में मिश्रित अवधारणा किसने दी? चट्टोपाध्याय ने। ए सर्वे ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट रिवर सरस्वती के बारे में ओरेल स्टेली किताब। इराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित प्राथमिक मत क्या है? तो इराचंद ओझा को प्राथमिक मत है सूर्यवंशी या चंद्रवंशी। गुजर प्रतियार चौहान राठौड़ गुइल आदि राजपूत शाखाएं अपने आप को किस वंश से जोड़ती है? सूर्यवंशी। निम्न में से किस ग्रंथों द्वारा हमें हर्षवर्धन से संबंधित अधिक जानकारी मिलती है? हर्षचरित्र और शिव क्यों। चित्तौड़ का किला चित्रांग मौर्य द्वारा बनाया गया था, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो कुमारपाल प्रबंधन में बात लिखी है कि चित्तौड़ को किलो चित्रांग मौर्य ने बनाया था, तो यह कुमारपाल प्रबंधन में लिखी है। महाभारत के काल में कुरु जंगल व मद्र जंगल वर्तमान में क्रमशः किस स्थान पर है? कुरु जंगल बीकानेर में, मद्र जंगल जोधपुर में। कुरु जंगल जो बीकानेर और मद्र जंगल जोधपुर। कुरु जंगल बीकानेर, मद्र जंगल जोधपुर। किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? भंडारकर ने। राजपूतों को उणों की संतान बताया सिमथ ने। राजपूतान उणा की संतान सिमथ। सिमथ ने राजपूतों को उणों की संतान। 1931 में हुए प्रथम गौड़मेय सम्मेलन में किस शासक ने भाग लिया था? गंगा सिंह, अलवरारो जय सिंह, उदयभान सिंह, तीनों भाग लियो दूसरे गौड़मेय सम्मेलन में। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में जाट राजवंश का प्रारंभ संस्थापक कौन था? चूड़ामन। राजस्थान की भरतपुर रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की थी? 29 सितंबर 1803। राजस्थान में भरतपुर राजवंश के कुल देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? लक्ष्मण जी ने भरतपुर को कुल देवता माने जाए। राजस्थान के भरतपुर में किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया था? तो भरतपुर में कृष्ण सिंह ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। श्रीमती रम्मा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? हरिभा उपाध्याय की पत्नी है रम्मा बाई। ना ना उसके बिजोलिया की है रम्मा देवी, श्रीमती रम्मा देवी। हरिभा उपाध्याय की पत्नी बता रहे बिजोलिया। ठीक है। कल्ला रायमलोत भूला हुआ बहादुर कहा जाता है? कल्ला रायमलोत ने भूला हुआ बहादुर कल्ला रायमलोत। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव नहीं है? तो चिक्त से पर्यटन का धोला, वो दोनों सत्य हैं। विजयदान देत्ता राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में प्रकाशित हुई थी, सही है। विजयदान देत्ता रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे, दोनों ही बात सही है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? पग फेरो मणि मधुबुर के, कोडम दे मेघराज मुकुल की है, पागी चंद्र प्रकाश देओल की है, और कोडम दे मेघराज मुकुल की है। कामेश्वर महादेव मंदिर पाली में, शीतलेश्वर झालावाड़ में, पीपला माता जोधपुर में, नीलकंठ महादेव अलवर में। कामेश्वर पाली में, शीतलेश्वर झालावाड़ में, पीपला माता जोधपुर में, नीलकंठ अलवर में। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। राज के ज्योतिषी हंतों ने नैमित्तिक कहता, ज्योतिष हंतों ने राज की नैमित्तिक। विजयपाल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? ब्याना को। राजधानी ब्याना नकन बनाई विजयपाल ने। करौली किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? अरबक्षपाल ने। तिमणपाल ने अपनी नवीन राजधानी किसे बनाया? तिमणगढ़ को। धर्मपाल दित्य ने करौली को अपनी राजधानी कब बनाया? तो करौली ने राजधानी धर्मपाल बनाई है। अर्जुनपाल ने करौली ने बसाया, करौली राजधानी धर्मपाल ने बनाई थी। बनाई कद 1650 में। करौली स्थापना कद हुई? 1348 में। राजधानी बनाई है 1650 में। वर्तमान करौली को प्राचीन नाम में क्या जाना जाता है? कल्याणपुर। कल्याणपुर का संभव कौन बसायो? कल्याणपुर कौन बसायो? कल्याणपुर का संभव की स्थापना अर्जुनपाल करी। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की द्वितीय पीठ मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मदन मोहन जी को मंदिर गोपाल पाल ने। करौली के यादव राजवंश के
संस्थापक कौन है? विजयपाल। विजयपाल ने करौली में करौली राजवंश की स्थापना 1040 में। यदुवंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। करौली राजवंश की स्थापना 1040 में। भरतपुर शासक बदन सिंह को जयपुर के किस शासक ने डींग की जागीर दी थी? सोई जयसिंह ने। मुगल विद्रोही जाट नेता राजा राम की हत्या किसने की थी? बिशन सिंह ने। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बदन सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? राजागी। किस जाट नेता ने मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की? चूड़ामन ने। ठाकुर चूड़ामन जिनमें श्रेष्ठ दस्युं सम्राट रोबर रेबन बनने की सभी गुण मौजूद थे, किस क्षेत्र से संबंधित है? भरतपुर। चूड़ामन के बारे में कह जाए कि वो रोबर बेरन जो कोई सम्राट बनने योग्य हो। किस मुगल शासक के समय जाटों को घोड़ों की सवारी, बंदूक रखने और दुर्ग बनाने पर प्रतिबंध था? शाहजहां टाइम में। बाड़ी या धौलपुर का युद्ध कब हुआ था? 1919 में। जहांगीर के काल का एशिया का प्रसिद्ध नील बाजार कहां भरता था? भरतपुर में। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य किन किन भूराज भागों पर आधिपत्य था? भरतपुर, धौलपुर। जाट राजा चूड़ामन को राय बहादुर खान की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? फर्रुखशेर ने। ब्रजराज की उपाधि किस शासक को जयपुर महाराजा द्वारा दी गई थी? बदन सिंह ने। ब्रजराज की उपाधि बदन सिंह बैसिंह ब्रजराज। मंगल सिंह द्वारा चरित सुजान सामंत विलास में किस जाट शासक की प्रशंसा है? सूरजमलगी। धौलपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की? कीरत सिंह ने। भरतपुर की वह महान श्रेष्ठ रानी जिसने भरतपुर राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक बार उसे पूर्ण विनाश से बचा लिया। तो भरतपुर की सूरजमल की पत्नी किशोरी देवी ने बड़ा बचाया। सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को किस जाट नेता ने लूटा था? राजा राम ने। राजा राम की मृत्यु 1688 में किसके नेतृत्व की बागडोर संभाली? राजा राम मरे बाद में चूड़ामन संभाली। राजपूताने में अंग्रेजों की प्रथम मैत्री संधि भरतपुर रियासत के साथ कब हुई थी? 1805। चूड़ामन जाट ने किसे अपनी राजधानी बनाया था? थून ने। 1764 में दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर वहां से अष्ट धातु के दरवाजे लाकर भरतपुर के दुर्ग में किसने लगवाए थे? जुआर सिंह ने। पहली बार स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? चूड़ामन को। डीक के महलों का निर्माण सूरजमल ने करवाया था। भरतपुर के जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक सूरजमल ने कहे। भरतपुर के लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? सूरजमल ने। मुगलों के विरुद्ध हुए प्रथम जाट विद्रोह का नेता कौन था? गोकुला। पहला एमएन गोकुला हुई।